चलो सात श्रीकाल से लोगों लोग का नु माई नेता एंड आई टीच कंप्यूटर अवेयरनेस डिजिटल लिटरेसी ऑन पंजाब अडा ट्वेंटी फोर सेवन वेलकम टू यू ऑल हाय निकिता निकिताब आंसल अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी जॉइंड अस लाइक अनु आकांक्षा इज आल्सो हियर ओके मनिंदर तेजस्विनी बहुत बढ़िया आई एम हैप्पी कि आप लोग यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग खुद भी एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स बन गए हैं और यहाँ पर आज हम कंप्यूटर के थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस करने वाले हैं कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज़ कल जो टेक्निकल क्वेश्चंस का लेवल है थोड़ा सा अपर रहने वाला है आज थोड़ा इंटरमीडिएट रहेगा ऑल राइट अंजलि ठाकुर दीपिका वंडरफुल सत श्रीकाल रमनदीप गुरिंदर बेयत कौर ओके एक बार जल्दी से सब लोग सेशन को यहाँ पर लाइक like कर दीजिए और इसको शेयर करने की भी यहाँ पर ज़रूरत है ताकि ज़्यादा बच्चे हमारे साथ ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाए ठीक है ओके सो आई आईज रेडी एक बारी स्टार्ट कर लीजिए कर ले क्या हम सेशन पर या फिर वेट करें दूसरे स्टूडेंट्स का देख लेते हैं बहुत सारे जुड़ चुके हैं एक बार देख लेते हैं थर्टी प्लस हो जाते हैं तो फिर क्लास हम स्टार्ट करते हैं ओके आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन ठीक है चलो पहला जो आपका सवाल है guys, that is, कि टेलनेट बेसिकली मैंने आपको तब करवाया था जब हमने इंटरनेट एंड इट्स वाला टॉपिक किया था उसमें मैंने आपको डिफरेंट काइंड ऑफ मैं आंसर तो नहीं बता सकती हूँ डिफरेंट कॉन्सेप्ट करवाए थे तो मुझे बताओ कि भाई टेलनेट क्या होता है ओके okay, बहुत बढ़िया हाय दीपक स्वामी परगत सिंह कन्वर कुल तरजहान ठीक है गाइज जल्दी से एक बारी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ओके uh, लाइक okay, like कर दिया बाद में टाइम नहीं लग लगता ओके <laughs> ठीक okay, है अरश कम्बोज एक्सिलेंट एक्सलेंट बहुत बढ़िया ठीक है वंडरफुल सो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर थ्री विच इज़ योर नेटवर्क प्रोटोकॉल तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाली थी कि जब हमने इंटरनेट एंड इट सर्विसेज टॉपिक किया था वी डे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स लाइक एस एम टी पी विच फॉर मैसेजिंग देन वी डे टेल नेट एंड ऑल दैट तो टेलनेट होता क्या एक प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है आप एक कंप्यूटर को वर्चुअली एक्सेस कर सकते हो यानी कि इंटरनेट के माध्यम से उसको एक्सेस कर सकते हो दो वे मतलब टू वे यानी दो तरफा एक कम्युनिकेशन ये आपको प्रोवाइड करता है ये कम्युनिकेशन टेक्स्ट बेस्ड होती है दो मशीनों के बीच में याद रखेंगे ग्रेट एस के गेमिंग गुड आफ्टरनून खुश करन ओके हाई टू यू एज वेल ठीक एक बार आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे वर्ड में अगर आप एक पैराग्राफ को इंडेंट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो यह आपको बताना है पैराग्राफ वट आर यू डूइंग व्हाट इज इंडेंटिंग ठीक है गुड आफ्टरनून हाई सूरज ओके दैट्स ग्रेट ठीक है क्वेश्चन नंबर टू पे चलेंगे निकिता ए बोल रही है पुश द टेक्स्ट इन विद रिस्पेक्ट पुश करते हो आप टेक्स्ट को ओके okay, पीहू भी ए बोल रही है परगट भी ए बोल रहे हैं ठीक है बाकी स्टूडेंट्स जल्दी से जवाब देंगे पंजाबी सूट्स ट्रेंडी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे ए ए बहुत चल रहा है यार इंडेंटिंग का मतलब क्या होता है ऑल राइट ऑल राइट कटर मार्जिन ये सब बोला जा रहा है हाय कांक्षा गुड आफ्टरनून गाइस द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर टू दैट इज आप मार्जिन होते मतलब मार्जिन होता है है यानी कि जो स्पेस होती है, के लेफ्ट या फिर राइट right मार्जिन पे आप उसको कम या बढ़ाते हो उसे हम कहते हैं इंडेंटिंग और आप इसे कैसे कर सकते हैं लाइन के पहले कर्सर को लेकर आ सकते हैं या फिर कीबोर्ड पे या हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं जो आपका टैब की है वो आप प्रेस करके कर सकते हैं वंदना सोई गुड आफ्टरनून फर्स्ट टू क्लासेस कहाँ मिलेगी प्रैक्टिस टेस्ट की तो बहुत आसान है आप जाइए हमारे चैनल पंजाब अड्डा पे प्लेलिस्ट में जाके आप कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट खोलेंगे वहाँ पे सारी वीडियोस हैं पुरानी वो आप देख सकते हैं पंजाबी भी दस दिया करो प्लीज़ विच भी दस दे पाए हाँ ठीक है स्पीड अप ठीक है भाई स्पीड अप कर देते हैं एक बारी क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं अच्छा थ्री है नहीं आई थिंक यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग का खेल हो गया बहुत आसान क्वेश्चन है जल्दी से बताइए मेरा सही है दैट्स ग्रेट ठीक है क्वेश्चन कहता है ऐसी की के बारे में बताओ जो इन्फॉर्मेशन इरेज करता है कंप्यूटर की मेमोरी से ठीक है कैरेक्टर्स को इरेज कर देता है ऑन द स्क्रीन कौन सी की है वो बहुत आसान है मैम मुझे कंप्यूटर में बहुत प्रॉब्लम आती है याद करके भूल जाने वाला देखो याद करके भूल जाने वाले के लिए एक ही जुगाड़ है बादाम खाओ ठीक है वॉलनट्स खाओ उसका कोई जुगाड़ नहीं है मेमोरी शार्प करने के लिए मेडिटेशन करो लेकिन समझ नहीं आ रहा है तो क्लासेस अटेंड कर सकते हो राइट एक्सेलेंट ठीक है तो कंप्यूटर की मेमोरी से आपको इरेज करना है तो आंसर क्या रहने वाला है वेरी गुड आंसर रहने वाला है डिलीट की एक्सेलेंट ओके क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलेंगे लॉजिक चिप को हम क्या कहते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में हमने किया है पंजाबी बोलिया करो बिकॉज पंजाब दे एग्जाम्स नहीं पर पेटा पेपर हर पंजाब का पंजाबी विच नहीं आंदा है तह पता होगा ठीक है और यहाँ पर वी आर ट्राइंग कि हम तीनों लैंग्वेजेस को बोलें दैट इज पंजाबी इंग्लिश एंड हिंदी सो यू हैव टू अडोप्ट योर सेल्फ तैयारी कैसे करें आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं कंप्यूटर की डोंट वरी एक प्लान बनाओ अपना रूटीन सेट करो ठीक है वेरी गुड आंसर क्या रहने वाला है आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर दैट इज माइक्रो प्रोसेसर सो लॉजिक चिप न किस नाम नाल बोलते हैं प्रोसेसर ये तो आसान है क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलेंगे गाइज एक बार जस्ट जस्ट ने वीडियो को लाइक नहीं किया है बिकॉज मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ चुके हैं लेकिन लाइक मात्र सिर्फ तेईस है यहां पे तो एक बारी फटाफट से लाइक बटन प्रेस कर दो लाइक मतलब थंब जो ऊपर है नीचे वाला नहीं प्रेस करना है ठीक है चलिए बाय हमे है सारे ही पेपर तो क्या आप सिर्फ पंजाब के पेपर तक सीमित रहना चाहते हो <laughs> ये नहीं चाहते कि कल को अगर आप सेंट्रल पेपर दो कोई बैंकिंग का एग्जाम दो उसके अंदर भी आपको फायदा हो जाए वहां पे पंजाबी नहीं आने वाली है ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क तो आंसर क्या रहने वाला है एक्सेलेंट आंसर रहने वाला है आपका फ्लॉपी डिस्क बिकॉज रिमूवेबल बात कर रहे हो ऊपर से मैग्नेटिक जेडी है आपा कर चुके हैं स्टोरेज जो आप कीता सी उसके अंदर हमने किया था क्या आंसर रहने वाला है फ्लॉपी डिस्क मॉनिटर तो आपका आउटपुट शो करता है वेरी गुड चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पे कौन सी की से नंबर का इनपुट जल्दी होता है मतलब नंबर यानी वन टू थ्री आप बहुत जल्दी कैसे लिख सकते हैं वो आपको बताना है क्विकली ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कल थोड़े से मैं बता रही हूं आपके टेक्निकल हो सकते हैं हाय करमजीत सिंह हाउ आर यू भाई यहाँ पर लैंग्वेज को लेकर मुद्दा बनाने की बजाय अगर पढ़ लोगे तो बेटर रहेगा आई थिंक अगर मैं फंक्शन की को फंक्शन की बोलूंगी तब भी उसने इंग्लिश में बोला जाना है बस बोला जाना को बोला जान्या है वो पंजाबी हो जाएगा सो so, प्लीज़ ये बातों पे यू नो फालतू की बातों पे फोकस करना बंद करो क्वेश्चन पे हम फोकस करेंगे यहाँ पे अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ये डू नॉट नो पंजाबी राइट सो आई हैव टू केटर टू ऑल द स्टूडेंट्स हरीश गर्ग पी डी एफ बेटा मिलती है मतलब अभी अवेलेबल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पेड बैचेस में इन्वोल्व है अनफॉर्चुनेटली हाय साजन चलो सॉरी की बात नहीं है प्लीज फोकस ऑन द देश आंसर रहने वाला है न्यूमेरिक मेरे की पैड जिसको आप एक्टिवेट कर सकते हो अपनी नम नम अपनी लॉक प्रेस करके ऑल राइट right. साक्षी भगत न्यू स्टूडेंट वेलकम टू यू टू आर्श अर्श कंबोजे पढ़ना लैंग्वेज मैटर नहीं कर दिया एप्सोल्यूटली ठीक है नंबर को हिंदी में भी वही बोलना है पंजाबी नंबर हो जूगा और क्यों होगा <laughs> चलो आगे चलेंगे अगर आप प्रोग्राम को एग्जिट करना चाहते हैं एप्लीकेशन को छोड़े बिना कहने का भाव है कि एप्लीकेशन ऑन ही है लेकिन आप प्रोग्राम से मुड़ना चाहते हैं एग्जिट करना चाहते हो की करोगे फाइल एडिट कॉपी क्लोज जल्दी बताओ बहुत ईजी है ओके okay, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पी डी एफ हैबल फॉर द स्टूडेंट हु ठीक है नो मोर टॉकिंग ऑन रिलेटेड टू लैंग्वेज नाउ ग्रेट आंसर क्या रहने वाला है क्लोज बहुत आसान है तो आसान है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ ग्रेट वेरी गुड जिसने डी ऑप्शन बोला है क्वेश्चन नंबर चलेंगे जल्दी से नाइन्थ पे ये देखते हैं यहाँ पर थोड़ी गलती हो सकती है प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विसेज कोई प्रोवाइड करता है जिससे दो या दो से ज़्यादा टास्क ध्यान देंगे दो या दो तो व् टास्क जॉब्स इकट्ठे हो सकते ने दो या दो से ज्यादा काम आप इकट्ठे कर रहे हैं ठीक है मल्टीटास्किंग है थ्रेडिंग है प्रोसेसिंग है कंप्यूटिंग है, है क्या है एक बारी तो मुझे बेटा पीडीएफ इज अवेलेबल उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने परचेज किए हैं कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन से राइट मल्टी टास्किंग बोल रहे हैं आप ओके ओके आई यू श्योर क्या उसे मल्टी ही बोलते हैं प्रोसेसिंग तो नहीं है वो देख लो एक बारी कंफर्म कर लो ठीक है वेरी गुड क्योंकि दो या दो से ज़्यादा टास्क साथ में कर रहे हो प्रोसेसिंग नहीं है भाई वो कंफ्यूज करने के लिए बोला है उसे हम क्या कहते हैं वी कॉल इट कि भाई मल्टी टास्किंग हो रही है एक से ज़्यादा काम आप साथ, साथ में कर रहे हैं ग्रेट हाय सत श्रीकाल ओके क्वेश्चन नंबर टेंथ पे चलेंगे कौन से पोर्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई डोंट थिंक हमने पहले कभी भी किया है आपको मुझे पोर्ट्स के बारे में बताना है जो कि कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को है ना कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को साउंड कार्ड्स के साथ वो क्या कर देते हैं कनेक्ट कर देते हैं राइट सानू भी करवा दो पी डी एफ दिस इज द रूल ऑफ द कंपनी यू नो आई कान वायलेट इट यूएसपी बोल रहे हो आई यू श्योर बेटा यूएसपी से साउंड कार्ड कैसे कनेक्ट होगा आपका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ ध्यान दो दो चीजों को कनेक्ट करने की यहां पर बात हो रही है एक है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरे है आपके साउंड कार्ड्स वेरी गुड ओके बहुत सारे बच्चे यहाँ पे तो करेक्ट आंसर दे रहे हैं आई कैन सी गुरप्रीत अनु कौशल राजेश राजेशनूरिया करेक्ट आंसर वंडरफुल विकिता ठीक जस्ट जिस स्टूडेंट ने मिडी बोला है दैट इज एम आई डी आई दैट एबसोल्यूटली करेक्ट बट कैन संपली टेल मी कि भाई मिडी की फुल फॉर्म क्या होती है एक बार ये मुझे बता दो कि मिडी की फुल फॉर्म होती क्या है आंसर तो सबने करेक्ट दे ही दिया है हाय गुड आफ्टरनून रमन कौर वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ मिडी फुलट आई एल टेल यू मिडी की फुल फॉर्म होती वेरी गुड राजेश सनोरिया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस ये आपकी फुल फॉर्म होती है मिडी की एक प्रकार का इंटरफेस है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो कोई भी जो आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ठीक है आप उसको कनेक्ट किसके साथ कर सकते हो साउंड कार्ड के साथ यहाँ पर बहुत सारी अंग्रेजी लिखी हुई है बट मैं आपको सिंपल सरल भाषा में एक चीज़ ये समझा रही हूँ पहले तो आपने आपने इसकी फुल फॉर्म को जस्ट अ मिनट यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है ओके okay. I'll just enable the pointer. ठीक है पहले तो इसकी फुल फॉर्म को हमने याद कर लेना है फुल फॉर्म क्या है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आगे आने वाला है डिजिटल और लास्ट वर्ड है आपका इंटरफेस ये भाई साहब क्या करते हैं पहला काम ये है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को किससे कनेक्ट कर देते हैं साउंड कार्ड के साथ ये बात ध्यान रखेंगे और इसके लिए करते क्या एक रूल्स इन्होंने फॉर्मुलेट किए हुए हैं रूल्स को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वी कॉल इट प्रोटोकॉल्स सो सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स ये डिफाइन करते हैं कि कैसे आपके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कनेक्ट होंगे साउंड कार्ड के साथ वंडरफुल वेरी गुड अगले क्वेश्चन पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर कहता है बहुत आसान क्वेश्चन है ठीक है जो स्टूडेंट्स लेट आए हैं एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो की रीच जो है वो बढ़े ताकि ज्यादा स्टूडेंट्स ज्यादा एस्पिरेंट्स आपके जैसे इस वीडियो को देख पाए और उनका भी भला हो ठीक है हाय गुड आफ्टरनून राजेश क्वेश्चन कहता है अगर आप क्लिपबोर्ड कंटेंट की कॉपी को इंसर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे बहुत आसान है यार सिंपल सी बात है पुशन स्टिक इन कुछ भी नहीं करने वाले हो आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल बी दबाएंगे जिसकी राही वो जो भी आपका कंटेंट है वो तो पेस्ट हो चुका एक्सलेंट वेरी गुड मीनू करण दैट्स करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ पे चलेंगे

All right, ठीक है ठीक है ठीक है यानी yani अगर आप कंप्यूटर को बंद करते हो तो भैया जो रैम है ना वो तो आपकी गई क्योंकि रैम जो है वो आपकी क्या होती है उसमें चेंजेस आ सकते हैं वो आपकी फ्लक्चुएट होती है बिल्कुल करेक्ट आज करेक्ट आकांक्षा शरण एवरी जिसने भी फोर्थ आंसर बोला है बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टींथ पे चलेंगे ओके okay. टेबल टैंजल का मतलब क्या होता है समथिंग दैट यू कैन टच समथिंग दैट यू कैन फील समथिंग दैट यू कैन सी फिजिकल कंप्यूटर इक्विपमेंट है जिसको आप देख सकते हो आप उसको टच भी कर सकते हो उसे हम क्या बोलते हैं एक बार जल्दी से बता देंगे बहुत आसान है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्टोरेज क्या रहने वाला है राइट ए बोल रहे हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वेरी गुड द आंसर इज गोइंग टू बी आंसर की होगा सर दैट इज ऑप्शन नंबर वन विच इज हार्डवेयर क्योंकि ये चीज तो आप आप देख सकते हैं है ना टच कर सकते हैं फिजिकल कंप्यूटर इक्विपमेंट है सॉफ्टवेयर तो नहीं है राइट right? वो तो आपके कंप्यूटर के अंदर होता है ऑप्शन रहेगा आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 अगले सवाल पर चलेंगे ठीक है मेन मेमोरी भाई कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है आप उसे किस नाम से बुलाते हैं प्राइमरी इंटरनल प्राइमरी स्टोरेज ऑल ऑफ दीज या नॉन ऑफ दीज यस जल्दी से बता दीजिए ठीक है ठीक है ठीक है ऑल राइट right. मेरा टैंजबल अभी मैंने आपको समझाया समथिंग दैट कैन बी टच जिसको आप देख सकते हो आप छू सकते हो सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं ऑल राइट यहाँ पे आई थिंक अर्श कम्बोस बोल रहे हैं सी सो so, क्या हम उसको इंटरनल मेमोरी नहीं बोलते हैं हाँ जी क्या उसको प्राइमरी स्टोरेज के नाम से हम नहीं जानते हैं एक बार ही बता दीजिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है भाई आंसर हमारा रहने वाला है जो कि है दीपिका शर्मा का करेक्ट ये हार्डवेयर वाले कौन से है हार्डवेयर निकल चुका है हार्डवेयर इज कॉन लॉन्ग बैक आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर फोर बहुत कम स्टूडेंट्स ने दिया है लाइक टेस्टिंग अकाउंट पुष्पिंदर कौर वीरान देवकन दीपिका आई एम आई थिंक या दीपिका शर्मा वंडरफुल आंसर इज ऑल ऑफ दीज गाइज तुम उन्होंने प्राइमरी स्टोरेज भी कह सकते हो मेन मेमोरी नू इंटरनल मेमरी भी कह सकते हो तो प्राइमरी मेमरी भी कह सकते हो आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज और इस पर लगा देते हैं इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने यहाँ पर गलत आंसर दिया है

ओके वी हैव इज ग्रेट की पे जल्दी से एक बारी लाइक भी कर दीजिए जो हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं स्टूडेंट्स जल्दी से लाइक भी कर दीजिए वीडियो को एक्सलेंट क्या रहने वाला है आंसर आंसर रहेगा स्पैम ये तो हमें पता है बहुत आम सा ये सवाल अभी आपका क्वेश्चन बन चुका है अगला सवाल इंपॉर्टेंट है इंटरनेट को क्या चाहिए ध्यान से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलत आंसर देने वाले हैं जो मुझे पता है ठीक है बट अस सी मुझे गलत प्रूफ कर देते हो या फिर सही प्रूफ करते हो सही आंसर देके देखते हैं करेक्ट वंडरफुल ओके गाइस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ excellent excellent सी बोल रहे हैं बहुत बढ़िया है, तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे सेकंड बोला है भाई लैन नहीं चाहिए होता है हम इंटरनेट के लिए इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इट इज़ नॉट मैंडेटरी राइट थर्ड जो आपका ऑप्शन है दैट इज डेफिनेटली करेक्ट वेरी गुड किसने वर्ल्ड वाइड वेब थोड़ी ना चाहिए इंटरनेट को ये क्या लॉजिक बना हमें क्या चाहिए हमें कुछ रूल्स चाहिए बच्चे रूल्स की अंग्रेजी कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या है हम उसे क्या बोलते हैं वी कॉल इट प्रोटोकॉल्स मतलब कुछ प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो करते हैं जैसे टेलनेट हो गया एस हो गया सिंपल मेल ट्रांसफर ये सारे प्रोटोकॉल्स हो गए जिसके राही कंप्यूटर आपस विच की कर सकते हैं कम्युनिकेट कर सकते हैं आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर थ्री वेरी गुड अगले क्वेश्चन पे चलेंगे फाइन ये देखते हैं कौन आंसर देगा जब हम कंप्यूटर के इनपुट और उसके आउटपुट की बात करते हैं तो इनपुट का क्या मतलब होता है राइट right. देखो हमने अपने कंप्यूटर की जो नॉलेज है इतनी ज्यादा पॉलिश कर लेनी है कि आपका कोई भी अगर एग्जाम आता है चाहे फिर वो पंजाब का होवे हरियाणा होवे बैंकिंग होवे एस एस सी अंदर एक्सेल करना है राइट ठीक है जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर रहने वाला है थर्ड बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं पे सी 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 के साथ पैर क्यों लगाती है ओके सो गाइज एक फिफ्थ ऑप्शन है जिधे बिच लेके है बोथ थ्री एंड फोर एक बारी थर्ड और फोर्थ को पढ़ लेते हैं थर्ड कहता है वो डेटा जो आपका कंप्यूटर के अंदर एंटर किया गया है तो ये तो बिल्कुल सेंस बन ही रही है उसे हम इनपुट ही कहते हैं फोर्थ कहता है वो डेटा की ट्रांसमिशन जिसको कंप्यूटर में डाला गया है तो यार वही तो इनपुट होता है लेटर से मैंने कोई कमांड इनपुट किया मतलब कुछ डेटा डाला वो तो इनपुट ही है उस डेटा जिसको आपने डाला है कंप्यूटर के अंदर अगर आप उसको ट्रांसमिट करते हो तो वो भी तो इनपुट ही रहेगा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फाइव एक्सिलेंस क्योंकि चार्ट बिल्कुल भाग रही है यहाँ पर घोड़े की रफ्तार पे तो हम हर किसी का यहाँ पे नाम पढ़ना थोड़ा मुश्किल है जिस जिस स्टूडेंट का फिफ्थ ऑप्शन करेक्ट है एनालाइज योर खुद को अपने आप से नंबर दे सकते हो आपकी बहुत बढ़िया यहाँ पर काम चल रहा है ग्रेट नाइन क्वेश्चन पे चलेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है मदर बोर्ड पे मदर बोर्ड पे क्या होता है और जो सीपीयू को कनेक्ट करता है मदर बोर्ड के बाकी हिस्सों के साथ एक ऐसी चीज जो मदर बोर्ड पे होती है और ये चीज क्या करती है मदर बोर्ड पे जो भी आपके कॉम्पोनेंट्स हैं उसको कनेक्ट कर देती है सीपीयू के साथ तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं इनपुट यूनिट बोलते हैं ए एल यू प्राइमरी मेमोरी या सिस्टम बस ओके निकिता गुरिंदर वंडरफुल बहुत सारे स्टूडेंट्स अर्शकम बोस यहाँ पे सिस्टम बस बोल रहे हैं एक्सीलेंट यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं कॉम्पोन यहाँ पे ओके द टैब इज नॉट वर्किंग कॉम्पनेंट ऑन द मदरबोर्ड वेल डन द आंसर इज your सिस्टम बस Excellent. आई थिंक आप क्वेश्चन पहला कर चुके हैं किसी और फॉर्म के अंदर तो याद रखो सी ते यू तो मदरबोर्ड के जेडे भी कॉम्पोनेंट्स के अंदर जो कनेक्शन एसटेबलिश होंगे ए एल यू नहीं है प्रीति ए एल यू तो आपका कैलकुलेशन के लिए होता है अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए आप एल यू नूज करीता है राइट right. ठीक है दोनों में कोई मुश्किल है जगरूप सिंह आई डोंट थिंक <laughs> कि ऐसा कुछ होने के चांसेस हैं बट लेरस सी क्या होता है आई डोंट थिंक अदरवाइज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे चलेंगे बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड क्या होता है जल्दी से एक बार बता देंगे वॉट इज वन बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड पुलिस कांस्टेबल, आई थिंक नवंबर के मिड या एंड तक डेफिनेटली आ जाना चाहिए बट लेटेस्ट सी कब आता है गाइस, जल्दी से बता दो भैया वन बिलियन ऑफ अ सेकंड नो आपा की कहने आ। टेरा बाइट ओ भाई बाइट और सेकंड का रिलेशन क्या बन रहा है पहले तो मुझे ये बता दो बाइट और सेकंड का घी का बाइट कहाँ से बन जाएगा आंसर तो सेकंड में ही होगा ना अगर मैं पूछूं लीटर का ये वाला हिस्सा बताओ तो किलोग्राम नहीं होने वाला है वो क्या आंसर रहने वाला है जी बेअंत कौर बोल रही है थर्ड ओके अदर स्टूडेंट्स लेट मी जस्ट चेक अर्श कम्बोज किधर गए भाई आप आंसर दीजिए जल्दी से अच्छा रवि कुमार इज ऑल्सो हेर वेरी गुड द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर यानी अगर हम एक का निकालते है इन right? तो तीनों में से कुछ आंसर होता दैट्स करेक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट सतवीर कौर चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पे ओके दिस इज रियली इंपॉर्टेंट आप पहला भी कर चुके हैं ई आर डायग्राम ईआर ER डायग्राम के अंदर एट्रीब्यूट्स जो है कौन रिप्रेजेंट करता है जी एक बारी जल्दी से देख लेंगे ईआर ER डायग्राम के अंदर एट्रीब्यूट्स ईआर डायग्राम होती क्या है पहले तो मुझे ये बताओ दैट्स करेक्ट नाउ सेकंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट व्हाट इज ईआर डायग्राम ईआर डायग्राम स्टैंड्स फॉर योर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ठीक है कैसे डिफरेंट uh, एंटिटीज में क्या रिश्ते हैं वो कौन बताता है वो आपकी ई ER आर डायग्राम बताती है ओके okay, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ए ऑप्शन आंसर दे रहे हैं देखते हैं मैंने पूछा है एट्रीब्यूट को कौन रिप्रेजेंट करता है आप लोग बोल रहे हो रेक्टेंगल ठीक है ठीक है बहुत सारे यार यहाँ पे रेक्टेंगल रेक्टेंगल क्यों बोल रहे हो मैथ्स करेक्ट एंटिटी रिलेशनशिप बिल्कुल बिल्कुल एट्रीब्यूट्स को बताना है आपको मुझे हाय गुड आफ्टरनून भूपेंद्र कौर थर्ड बोल रहे हैं एलिप्स बोल रहे हैं ग्रेट बाकी स्टूडेंट्स जल्दी से बताएंगे थर्ड विच इज एलिप्स बोल रहे हैं थर्ड बोल रहे हैं ओके ओके लेट अस सी नहीं पता है चलो आई एल जस्ट क्विकली टेल यू द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर थ्री विच इज एलिप्सिस अब एलिप्सिस क्या होते हैं एलिप्सिस यानी कुछ इस प्रकार का बना होगा उसे हम एलिप्स कहते हैं तो एक बार ये देख लेते हैं कि भाई जो हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल या जो भी हमारी डायग्राम है होते बिच केड़े पाक किनू रिप्रेजेंट करते हैं इफ़ यू टॉक अबाउट एंटिटी सेट्स वो कौन रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगल अगर आप एलिप्स की बात करते हो यानी कि इस प्रकार कुछ वो एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इफ़ यू टॉक अबाउट अबाउट डायमंड्स तो वो रिलेशनशिप को दिखाते हैं ये सब चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी ठीक है हमारा सवाल था कि एट्रीब्यूट्स किस प्रकार रिप्रेजेंट होते हैं तो आंसर रेक्टेंगल नहीं है भाई रेक्टेंगल तो रिप्रेजेंट करते हैं एंटिटी सेट्स को जो हमारे एट्रीब्यूट्स है वो कौन रिप्रेजेंट करता है वो करता है एलिप्सिस आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर थ्री ऑल राइट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू पे चलते हैं वेरी इजी क्वेश्चन अभी अभी मैंने आपको करवाया है ये चीज़ मतलब बातों बातों में मैंने बता दिया सीपीयू के लिए सिंपल मैथ्स कौन परफॉर्म करता है जी इसकी फुल फॉर्म में ही आंसर है क्या वो एलयू यू है डिम है बस है रजिस्टर है सी यू विच इज योर कंट्रोल यूनिट क्या रहने वाला है आंसर जो स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी जुड़े हैं एक बार जल्दी से वीडियो को यहां पर लाइक कर दीजिए ऑल राइट

अगर आप बात करते हैं कि आप वेब दूसरे वेब पेजेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जिनमें मिलती जुलती इंफॉर्मेशन है या कुछ संबंधित इंफॉर्मेशन है तो उन्होंने आपा की कह है व्हाट्सअप मैम मैम इज़ टीचिंग है और आपको भी पढ़ना चाहिए दैट इज़ अप चलो वेरी गुड द आंसर इज गोइंग टू बी हाइपर लिंक तो हाइपर लिंक क्या होता है अगर आप एक वेबसाइट पर हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं जब आप उस चीज पर क्लिक करते हैं आप कोई दूसरी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं या फिर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है उसे हम कहते हैं हाइपर लिंक ग्रेट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर्थ पे चलेंगे डी वी डी किस की एग्जाम्पल है एक बारी जल्दी से बता दीजिए डीबीटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट इज इट अ हार्ड डिस्क ऑप्टिकल डिस्क आउटपुट डिवाइस एस एस टी है क्या है ये राइट राजेश चंडीगढ़ चंडीगढ़ बहुत हो रहा है यहाँ पे ठीक है ठीक है यहाँ पे कुछ फनी कमेंट होते हुए वंडरफुल द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर टू दैट इज योर ऑप्टिकल डिस्क ग्रेट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपने सारे लेटर्स को कैपिटल बनाना है। देखो लेटर को कैपिटल आप दो तरीके से बना सकते हो एक तरीका है शिफ्ट प्रेस करके उस लेटर को दबाएंगे और दूसरा तरीका क्या है वो आपको बताना है ठीक है क्या रहने वाला है दूसरा तरीका जल्दी से बता दीजिए गाइस वेरी गुड ऑप्टिकल डिस्क इज करेक्ट अपर केस अच्छा पुराने क्वेश्चन का बोल रहे हो दैट्स ग्रेट ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन पे है हम रवि कुमार W नहीं है वो <laughs> यहाँ पे टाइप हो गया है ग्रेट आंसर है अरे अपर केस कैसे हो गया आप किस की को इस्तेमाल करेंगे आप दबाएंगे अपनी कैप्स लॉक की अपर केस थोड़ी ना कुछ करने वाले हो वो तो आपको एक कमांड वहां पे यू नो जाना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जहां पर भी करना होता है जी आप लॉक को ऑन करते हैं और सीधा क्या हो जाता है भैया वो कैपिटल लेटर में आना स्टार्ट हो जाता है ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं इफ़ यू टॉक अबाउट डिवाइस जो कि इंफॉर्मेशन पड़ता है एक डिस्क के ऊपर और उस इंफॉर्मेशन को वो मेमोरी में डाल देता है वो डिवाइस का नाम क्या है ठीक है तो ध्यान दीजिए एक प्रकार का डिवाइस है अगर आपकी डिस्क में इंफॉर्मेशन है ये भाई साहब उसको पढ़ेंगे और उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के कहाँ पर डाल देंगे कंप्यूटर की मेमोरी में ये डाल देंगे मैम uh, <coughs> तुसे सिरा हो बहुत कैन पढ़ाते हो बेस्ट टीचर थैंक यू थैंक यू सो मच इट अ लॉट टू मी राइट वेरी गुड The आंसर इज गोइंग to बी डिस्क ड्राइव क्योंकि कीबोर्ड से तो भाई हम टाइप करते हैं मॉनिटर पे आउटपुट आता है स्क्रीन आपकी कंप्यूटर या लैपटॉप की होती है हमें वो डिवाइस बताना है जो आपका इन्फॉर्मेशन पढ़ के जाकर यू you नो know, चुगली, चुगली बाजी करता है जाके मेमोरी को बताता है कि भाई ये ये इन्फॉर्मेशन आई है आंसर रहने वाला है डिस्क ड्राइव वंडरफुल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवेंथ पे चलेंगे कंप्यूटर का मेजर फंक्शन कौन सा नहीं है ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आई थिंक मैं ऑलरेडी ये दो बारी पहले करवा चुकी हूं तो मुझे करेक्ट आंसर ही चाहिए राइट हरविंदर सिंह आई थिंक आप बहुत देर बाद क्लास में आए हो क्या हो गया कहाँ गायब रहते हो जी 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 ग्रेट डी बोल रहे हैं विच इज़ एनालाइजिंग जसविंदर कौर बधान ठीक है एक्सलेंस स्वाति, अच्छा स्टोर नहीं करता है रवि कुमार बेटा वो स्टोर तो करेगा ही ना उसका काम ही यही है डेटा को पहले लेकर प्रोसेस करके स्टोर तो करेगा ही कंप्यूटर लेकिन क्या उसका इंपॉर्टेंट काम नहीं है उसको एनालाइज करना वो उसका इंपॉर्टेंट काम नहीं रहता है सो आई थिंक ऑफ़ द स्टूडेंट्स इन्होंने आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट दिया है कि एनालाइज करना उसका मेजर फंक्शन नहीं है ग्रेट पटवारी में आया था तो देख लो फिर ऐसा ही है ट्वेंटी एट क्वेश्चन पे चलेंगे सीपीयू का मेन जॉब क्या है जी वॉट इज the जॉब ऑफ द सी पी यू बहुत ही सरल सवाल है तो थोड़ा ध्यान से करेंगे क्योंकि आसान क्वेश्चन में चांसेस होते हैं गलती ज्यादा करने के ठीक है एक्सेप्टिंग डेटा क्या होता है देखो डेटा एक्सेप्ट करना मतलब मैं कोई भी उसके अंदर डेटा इनपुट कर रही हूं उसे कहते हैं डेटा एक्सेप्ट करना ओके ओके फोर्थ बोल रहे हो बोथ वन एंड थ्री आई यू श्योर ठीक है एब्सोल्युटली करेक्ट तो देखो सीपीयू का काम स्टोर करना नहीं होता है सीपीयू भैया क्या करते हैं उसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को इंप्लीमेंट करना यानी उसको कैरी आउट करना एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या करता है ये डेटा और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी करता है मतलब उसको मॉडिफाई करता है आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर फोर ग्रेट जॉब ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन ऑप्टिकल डिस्क की एग्जाम्पल बताओ अभी करवाई गई थी प्लीज करेक्ट आंसर गुड द क्लास ठीक है ठीक है ठीक है बहुत सारी जनता मुझे लगता है खाना खाने के लिए भाग रही है हरविंदर सिंह कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो डेटा बस डिस्क नहीं है डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल डिस्क आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर वन सो रिमेंबर डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सिटाइल एंड देन दिस इज योर डिस्क ग्रेट क्वेश्चन नंबर थर्टी पे चलेंगे कौन सा फोल्डर है थोड़ा ध्यान से कौन सा फोल्डर है जिसमें आपके मैसेज uh, के कॉपीज रहते हैं जो आपने स्टार्ट नहीं किए हैं बट सॉरी जो आपने स्टार्ट किए हैं पर अभी आप भेजने के लिए तैयार नहीं है राइट ऐसे मैसेजेस लंच टाइम होएगा ठीक है ऐसे मैसेजेस की कॉपीज हैं जो आपने लिख तो लिए हैं पर आपने अभी भेजने के लिए आप तैयार नहीं है क्या बोलते हैं हम उसे वेरी गुड वी कॉल देम ड्राफ्ट्स ठीक है ड्राफ्ट क्या होता है कई बार आप एक मैसेज लिख लेते हो पर आपको लगता है यार इसमें कुछ चेंजेस लेकर आने हैं मुझे या फिर अभी मैं मैसेज भेजने के लिए तैयार नहीं हूँ थोड़ी देर बाद भेज देता हूँ कुछ ऐड करना है तो वो किस बॉक्स में जाता है किस फोल्डर में जाता है वो जाता है ड्राफ्ट में एप्सल्यूटली करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन पे चलेंगे ओके okay. बहुत आसान है जल्दी से बताओ पढ़ने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे आपको खुद ही आंसर बताना है हाय सिमरन जीत कौर सिमरन होप यू आर फाइन ठीक है तो एक बार पढ़ देते हैं कर्सर को वन स्पेस टू द राइट कर देता है मतलब राइट right पे ले जाता है या फिर क्या करता है दो शब्दों के बीच में स्पेसेस पुट कर देता है कौन है ये बहुत आसान है ये ये है स्पेस पर प्रिंटर माउस दो बच्चों वाला सवाल है ये राइट बट ये मेरी गलती नहीं है भाई ये प्रैक्टिस टेस्ट में है ऑल राइट दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन आई हैव टॉट यूद मैं करवा चुकी हूँ हाई मैम फर्स्ट टाइम आपकी क्लास लगाई है बहुत अच्छा कराते हो थैंक यू सो मच थैंक यू सोनू जी दैट्स करेक्ट एम के शर्मा जैसे आप मेल को ड्राफ्ट में रख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट तो एक्सेल विच आप गल करते हैं प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला दी मतलब पहलो तो ही बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर नहीं बनाया हुआ है जिससे कि आप कॉम्प्लेक्स थोड़ी डिफिकल्ट कैलकुलेशंस को चुटकियों में कर सकते हो उसका नाम क्या है भाई उसे हम कहते हैं फंक्शन वेरी गुड दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट शेयर करो हंड्रेड तक करो कंप्लीट हां जी प्लीज जल्दी से शेयर कर दो हंड्रेड लाइव व्यूज करवाओ जल्दी से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ जाए शेयर क्या पे तो लाइक like भी नहीं कर रहे हो लाइक like करोगे तभी तो ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे हमारे साथ चलेंगे अगले सवाल पे ओके थर्टी थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस कंप्यूटर की वो मेमोरी कौन सी है मतलब जो कि लो कॉस्ट पर बिट स्टोर्ड है जी इसका मतलब क्या है मतलब कंप्यूटर की वो मेमोरी टाइप बताओ कि अगर आप कुछ भी डेटा स्टोर कर रहे हो तो आपको जो कॉस्ट है ना भाई स्टोर करने की जो कॉस्ट है जो कीमत है वो आपको कम पड़ रही है तो उस मेमोरी को हम क्या कहते हैं वो आपको बताना है क्या वो प्राइमरी मेमोरी है सेकेंडरी मैग्नेटिक टेप तो नहीं हो सकता है आंसर्स देंगे हाई विकॉज डी डब्ल्यू भाई मैग्नेटिक टेप इज नॉट कंप्यूटर की मेमोरी पहली बात राम राम जी राम राम, राम राजवंत कौर थर्ड बोल रही है मैग्नेटिक टेप वाले बहुत आ रहे हैं मैग्नेटिक तो एक स्टोरेज डिवाइस हो गया ना कंप्यूटर मेमोरी कौन सी है सेकेंडरी जो मेमोरी तो होती है ना बेटा वो थोड़ी सस्ती होती है कहने का भाव है अगर आप इसमें जितना भी डेटा स्टोर कर रहे हो उसकी कीमत आपको जो कॉस्टिंग है वो कम पड़ रही है वंडरफुल वेरी गुड फिरोज राजेश मैम तुम बहुत व्याच करते हो थैंक यू सो मच दैट मीन्स अ लॉट ट्रस्ट मी चलो क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर्थ पे चलते हैं अगर आप अगर आप कुछ लिखा हुआ है आपने ऑलरेडी उसको लिख दिया ऑब्वियसली कंप्यूटर बिच्च लिख नहीं सकते हो टाइप ही कर सकते हो पर अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो क्या इस्तेमाल करेंगे ठीक है जल्दी से बता दीजिए फाइल तो नहीं करोगे यार एडिट कट क्लोज क्या रहने वाला है वेरी गुड आंसर रहने वाला है एडिट करोगे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कट बोल सकते हैं बट देखते हैं क्या बोलते हैं कि नहीं जीके क्लासेस भी कराओ बेटा जीके के लिए अलग फैकल्टीज है पॉइंट इज देर ऑलरेडी अदर फैकल्टीज हुआ वर्किंग फॉर दैट हुआ टीचिंग दैट राइट right. वंडरफुल तो कोई कंफ्यूज नहीं हुआ है कट तो आप सिर्फ उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हो राइट right? अगर कुछ ऊपर लिखा है नीचे लिखना चाहते हो तो कट करोगे हम बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं चेंज करना चाहते हो मॉडिफाई करना चाहते हो आप एडिट करोगे ग्रेट क्वेश्चन नंबर 35 पे चर... अरे ये क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 35 फुल द सिमसे यस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप अपनी डिस्क को ट्रैक्स के अंदर डिवाइड करना चाहते हो सेक्टर्स के अंदर अलग अलग हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हो उस चीज को हम क्या बोलते हैं <laughs> आप ही कराया करो सब आप बेस्ट पढ़ाते हो नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है प्लीज ठीक है सब अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पे हमारी सारी फैकल्टीज बहुत अच्छा पढ़ाती है ठीक है अब हंसी तो आएगी ना ऑब्वियसली चलो मैं थोड़ा सीरियस रहती हूँ चलो हंसा देते हो बीच में मुझे अच्छी बात है हंसना भी चाहिए ग्रेट वंडरफुल वी कॉल इट फॉर मैटिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स आई वॉज थिंकिंग जो कि दिया बी आंसर ट्रैक् सुन के ट्रैकिंग लिख देंगे बट ऐसा नहीं है अगर आप डिस्क को अलग अलग हिस्से और उन हिस्सों का नाम क्या है ट्रैक्स एंड सेक्टर्स अगर आप उसमें डिवाइड कर देते हो उसे हम ट्रैकिंग नहीं बोलते हैं वी कॉल इट फॉर मैटिंग एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट गाइड राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से सारी टर्म्स आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के साथ रिलेटेड है एक्सेप्ट एक तो कौन सी टर्म है क्या वो वर्कशीट है सेल है फॉर्मूला है वायरस डिटेक्शन है क्या है वो जी जल्दी से बता दीजिए ओके थर्टी सिक्स का फोर्थ बोल रहे हो वायरस डिटेक्शन क्रैशिंग क्या होता है क्रैशिंग का मतलब जब आपका कंप्यूटर क्रैश कर जाता है मतलब चलना बंद हो जाता है प्रॉपरली नहीं ब, मतलब चल रहा है एकदम से ब्लैंक हो गई है स्क्रीन तो हम बोलते हैं ना यार पीसी क्रैश हो गया मेरा बिल्कुल वर्कशीट तो भाई हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर्मूला मैंने आपको भी सिखाया है सेल उसका बेसिक यूनिट है आंसर रहने वाला है वायरस डिटेक्शन का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका एक्सेल हो गया इससे आपका वायरस डिटेक्शन का एम एस से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक ठीक है अगले क्वेश्चन पे चलेंगे थर्टी सेवेंथ क्वेश्चन द टर्म सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप कुछ इंस्ट्रक्शंस की गल करते हैं जिसकी मदद से कंप्यूटर कुछ टास्क करता है वो टास्क एक हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकता है वो आपको बताना है उस टर्म को हम क्या बोलते हैं पी एस पी सी एल स्केड्यूल रिलीज आई डोंट थिंक सो आई एम नॉट श्योर दो बट लेट मी जस्ट चेक एक बार देख लेती हूँ मैं शायद से अभी ना हो गया हो नो आई डोंट थिंक बेटा अभी हुआ है जी सेकंड बोल रहे हो सॉफ्टवेयर वंडरफुल मॉर्निंग लाइव क्लासेस लगी थी जो कल टाइम टेबल बताया था और रिकॉर्डेड नहीं मिलेंगी 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 एकता कम्बोज द पॉइंट इज उसमें क्या है वो कुछ देर बाद ना आपको प्लेलिस्ट में दिखती है तो आप रात तक चेक करोगे आप एक काम कर सकते हो आई टेल यू कैसे देखना उसको मेरे साथ भी दिक्कत होती है अभी बताती हूँ थोड़ा सा वेट कर लो अभी क्लास का फ्लो बनना डिस्टर्ब होगा वेरी गुड उसे कहते हैं हम सॉफ्टवेयर, ठीक है कोई मुझे बता सकता है डेली क्लास टाइमिंग यही रहेगा बिल्कुल करेक्ट है आपका टाइम जो है डेली क्लास का वो दो बजे रहेगा आंसर बता दो आंसर किसका बताऊँ समझ नहीं आया मुझे स्वर्ण मेल में आ गया है टाइम तो यार मैंने तो चेक किया आप कौन से एग्जाम की बात कर रहे हो पीएस पीसीएल की ही बात कर रहे हो ना पता नहीं मैंने जहाँ पर चेक किया है वहां पर एक बारी यहाँ पर तो आ रहा है टू तो बी रिलीज टू तो बी रिलीज एक बारी मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ ठीक है तो फिर आपको बताती हूँ मैं बता रही हूँ मैं बता रही हूँ नॉट सेंटर्स नहीं आए हैं ओके ठीक है एक मिनट रुकेंगे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन वेयर एंड फर्मवेअर अब ह्यूमन वेयर क्या होता है एक बारी देखेंगे ह्यूमन वेयर एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन है ये क्या बताता है कि जो भी आपका यूजर है उसकी काबिलियत कैसी है यूजर इंटरफेस मतलब जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो एप्लीकेशन इस्तेमाल करो उसका डिजाइन कैसा है फर्मवेयर क्या होता है फर्मवेयर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है और वो टैंजेबल होता है मतलब आप देख सकते हो उसको टच कर सकते हो उसमें जड़ी हुई सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस होती हैं मतलब सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर एम्बेडेड होती हैं ऑलरेडी देयर होती हैं एग्जाम्पल क्या होगी बायोस जो कि हम बहुत बड़ी कर चुके हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ओके मैम फिर तो क्लास लगानी पहनी है चलो बहुत बढ़िया लगाओ क्लास ठीक है आई वॉन्ट पी ट्रिपल एस दी बैच सब कुछ अभी बता रही हूँ मैं बट थोड़ा सा टाइम दो मुझे पहले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे फिर सारी क्वेरीज को सॉल्व करवाती हूँ राइट right. थर्टी एट कहता है शॉर्टकट की बताओ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एमएस एक्सएल के अंदर एक नई वर्कशीट नी शॉर्टकट की तो रहन वाली है, रहन वाली है, एक बार बता देंगे ठीक है yes ओके okay, इट right. so, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंट्रोल एन बोल रहे हैं कंट्रोल एन बोल रहे हैं कंट्रोल एन जो कि आपका सेकंड है अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट तब से आई थिंक पूछ रहे क्वेश्चन रिमूविंग ऑफ सस्पेंडेड प्रोसेस फ्राम मेमरी रूड्यूसर सब्सिक्वेंट रिटर्न बेटा ये इससे रिलेटेड वैसे है नहीं पर इसका आंसर होता है स्वॉपिंग उसे हम कहते हैं स्वॉपिंग ठीक है swapping. चलो एक मिनट देख लेते हैं क्योंकि आप उसको चेंज कर रहे हो हटाकर दोबारा लेकर आ रहे हो बट ये ऐसे क्वेश्चंस प्लीज आप कमेंट्स में पूछा करो ऐसे बीच में आंसर देना थोड़ा मुश्किल है एक बार ही देख लेते हैं बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे एसपेरेंट्स ने यहाँ पे कंट्रोल एन यहाँ पर आंसर दिया है वो हमें ऑब्वियसली लगता भी है कि न्यू जो है स्टार्टिंग से कंट्रोल एन ही होगा बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारा आंसर नहीं है ठीक है आंसर क्या रहने वाला है आंसर रहने वाला है आपका नहीं वो आंसर नहीं आंसर है ऑप्शन नंबर फोर सो याद रखो अगर हम बात कर रहे हैं एम एस में अगर आपको एक वर्कशीट को यू you नो know, आपको उधर एंटर करना है इंसर्ट करना है उसके दो तरीके हैं पहला तरीका है शिफ्ट के साथ एफ इलेवन दबाएंगे आप दूसरा तरीका क्या रहने वाला है ऑल्ट प्लस शिफ्ट दबा के एफ वन दबाएंगे और ये किसके लिए है गाइस ये है आपकी न्यू वर्कशीट एंटर करने के लिए याद रखेंगे उसको दो है शिफ्ट प्लस एफ और एक है ऑल्ट शिफ्ट प्लस एफ वन राइट ठीक है तो तुम्हारी क्लासेस एक दो महीने पहले मिली होंगी तो सिलेक्शन ओके ठीक है थैंक यू सो मच ठीक है कोई बात नहीं अब हो जाएगी सिलेक्शन डोंट वरी राइट चलते हैं इधर एक बारी आंसर यहाँ पे लिख लेंगे ऑल राइट अगले क्वेश्चन पे चलेंगे ओके आई थिंक 90 प्लस क्रॉस कर चुके हैं हम लाइव व्यूअर्स विच इज ग्रेट एक बार बारी जल्दी से बाकी स्टूडेंट्स भी शेयर कर दीजिए वीडियो ताकि और 96 सिक्स पहुँच चुके चलो गाइज जल्दी से आज हमें 100 करना है इसको तो शेयर कर दो वीडियो को और स्टूडेंट्स जुड़ जाएंगे 98 हो गया है ठीक <laughs> है बहुत बढ़िया जस्ट टू मोर एंड देन वो हंड्रेड हो जाएगा डेफिनेटली देखते हैं क्या ये टारगेट अचीव हो पाता है कि नहीं चलो चलते हैं ए एस सी मेल आ गई है टाइमिंग भी ओके okay, इन कोड्स के अंदर ए एस सी वन वन कोड के अंदर कितने बिट्स हैं ये क्या होते हैं सीखने वाले हैं ठीक है, है इधर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एट बोल रहे हैं ऑल राइट दैट्स वंडरफुल ठीक है पता है सबको एट क्या बात है कोच हमारे एट है एट है एट है देखते हैं देखते हैं बहुत बढ़िया कोच सॉरी बिट्स हमारे एट है वनडरफुल द आंसर इज गोइंग टू बप्शन नंबर वन विच इज एट बट लेट फर्स्ट क्विकली अंडरस्टैंड कि भैया ये ए एस सी वन वन ये जो कोड है आए कोड ये होता क्या है एक आठ बिट का कोड है आप अगर मुझसे पूछोगे तो पेपर में ना इतना डेप्थ नहीं आता है जो इसमें चीज़ें लिखी हुई है पर आपको समझानी पड़ेंगे मुझे ऑब्वियसली बिकॉज ऊपर ऊपर से पढ़ के वो नहीं आने वाला ठीक है एक कोड है कोड में आठ बिट लगते हैं आठ बिट का प्रयोग होता है एक लेटर को दिखाने के लिए या फिर एक पंक्चुएशन मार्क को दिखाने के लिए इतनी बात हमने याद रखनी है राइट right? दूसरी बात आपको पता ही होगा कि एक बाइट में ये चीज सबको पता होनी चाहिए एक बाइट में आपके कितने बिट्स होते हैं आपके एट बिट्स रहते हैं राइट right? अब देखो <coughs> क्या हो सकता है इसमें जो ए एस टेबल है इसमें आपके 128 कैरेक्टर्स होते हैं दिस इज रियली इंपॉर्टेंट ये चीज हमने याद रखनी है मैं पेड बैच में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ उस टेबल में 128 कैरेक्टर होते हैं कैरेक्टर कहाँ से लेकर कहाँ तक होते हैं जीरो टू वन टू सेवन होते हैं अब आपको लगेगा ये तो एक हुए बट ऐसा नहीं होता है जीरो टू वन टू सेवन माइनस करके प्लस वन करोगे कितने कैरेक्टर बने ये एक बने फाइन ये चीजें हमें याद रखनी है ऑल्सो एक चीज और पढ़ेंगे बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पेपर के व्यू पॉइंट से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे लेकिन क्या है अगर आप एस सी कोड के अंदर ए एस सी कोड के अंदर अगर आप एक कैरेक्टर दिखाना चाहते हो मैंने बोला आठ बिट आपके लग रहे हैं बट द पॉइंट इज सात बिट भी काफी है लेकिन जो कंप्यूटर है वो क्या करते हैं एक जो आपका बिट कह रही हूँ एक जो आपका बाइट है वो क्या कर लेते हैं बचा कर रख लेते हैं एक कैरेक्टर के लिए राइट right? पर पेपर के व्यू पॉइंट से क्या रहने वाला है ये कितने बिट का कोड है आपको याद रखना है दूसरी बात इसमें कैरेक्टर कितने हैं कैरेक्टर कहां से कहां तक आते हैं वो आपको याद रखेंगे ठीक है अगले सवाल पर चलते हैं फोर्टी क्वेश्चन क्विकली सेम टाइम मेरा वी अच्छा यहाँ पे टाइमिंग शेयर हो रहे हैं ग्रेट ऑल राइट ऑल राइट बहुत बढ़िया लाइक को आप 89 पे पहुंच पहुंचा चुके हैं आई एम सो हैप्पी बात करते हैं वर्कशीट के बेसिक यूनिट की जिसमें कि आप डेटा को एंटर करते हैं एक्सेल के अंदर इसे हम क्या बोलते हैं डू वी कॉल इट टैब सेल बॉक्स रेंज क्या बोला जाता है आई थिंक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन था सब लोग भाग गए उसको देखिए वेरी गुड वी कॉल इट अ सेल तो बेसिक यूनिट एक्सेल का क्या रहने वाला है सेल रहने वाला है फॉर्टी फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे वेरी इजी कॉपी और पेस्ट के शॉर्टकट्स बताएंगे 99 हो गए अच्छा मेरे स्क्रीन uh, पे तो थोड़े कम दिख रहे हैं चलो कोई बात अच्छा हंड्रेड हो गए क्या बात है ग्रेट <laughs> बड़े ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे ठीक है ठीक है ठीक है थाउजेंड हो गए हैं वाह 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 था कहा से हो जाएंगे गुरिंदर बोल रहे हैं फर्स्ट अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे देखो गलती हो रही है जल्दबाजी इसे कहते हैं जल्दबाजी में मात खाना ठीक है सेंचुरी होने वाली है हो गई है मुकेश कुमार थैंक यू देखो भाई कॉपी के लिए डेफिनेटली आप इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस सी बट इफ टॉक अबाउट पेस्ट आप क्या यूज करते हैं कंट्रोल प्लस वी पेस्ट का पी नहीं है पेस्ट का वी है याद रखेंगे हाउ लॉन्ग विल द क्लास लास्ट मैम प्रोबेबली फॉर द नेक्स्ट टेन मिनट्स उसके बाद विल वाइंड अप राइट सिर्फ पांच दस मिनट और एंड देन यू कैन लीव डेफिनेटली फॉर इ सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है थोड़े ऑप्शन आपके लंबे हैं थोड़ा ध्यान से पड़ेंगे उसको ठीक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आप किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं वरफुल जैसे स्टूडेंट ने बी बोला है दैट्स करेक्ट बी में ही था ना कंट्रोल बी फायम नॉट रॉन्ग मार्कफेड की सेंटर लिस्ट नहीं आया अभी होल्टी आई डू नॉट नो अबाउट दैट आई वुड हैव टू चेक एंड देन आई कैन ओनली टेल यू ऐसे आई डू नॉट एनी इनफो अपडेट अबाउट इट एज ऑफ नाउ सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सलेंट तो आपको पता है सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन क्या है कीवर्ड दिमाग में क्या आना चाहिए इंस्ट्रक्शन ये वो बातें हैं जो बताता है कंप्यूटर तुम्हें ये करना है तुम्हें वो करना है आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर टू दैट्स करेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम एक्सेल की बात करते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है जी क्या वो लॉजिकल है डेटा सीरीज है फाइनेंशियल टेक्स मतलब एना इन्हना केड़ा ऑप्शन फंक्शन तो नहीं है एक्सेल के अंदर ठीक है जल्दी से बता देंगे यहाँ पे ऑल राइट right. uh, मुझे समझ नहीं आ रहा फोर्टी थर्ड का थर्ड बोल रहे हो फाइनेंशियल बोल रहे हो हम्म ओके okay. देखो एक्सपेक्टेड ये है कि नवंबर के एंड तक हो सकता है बट देन अगेन यू नेवर नो है ना आप सिर्फ पढ़ाई कर्म करते जाओ यही बोल सकती हूँ मैं सब लोग यहाँ पे फाइनेंशियल बोल रहे हैं आई एम श्योर क्या फाइनेंशियल आंसर रहने वाला है ठीक है ठीक है डेटा सीरीज भी बोल रहे हो ओके ओके फाइनेंशियल ओके ठीक है लॉजिकल वाले भी आ गए हैं बेटा आंसर रहने वाला है आंसर क्या रहने वाला है एनी बडी यू कैन टेल मी द करेक्ट आंसर क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टेक्स्ट वाले भी आ गए हैं ठीक है ओके वैसे बहुत आसान सा क्वेश्चन था आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर टू विच इज योर डेटा सीरीज वो पढ़कर ही चल रहा है कि मतलब पढ़कर ही पता चल रहा है कि भाई ये कोई फंक्शन नहीं है फाइनेंशियल आपका ऑब्वियसली रिलेटेड है फाइनेंस से टेक्स्ट आपका टेक्स्ट से लॉजिकल आपका लॉजिक से बट डेटा सीरीज कोई फंक्शन नहीं है तो एक सीरीज का नाम है ऑप्शन आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर टू तो आई थिंक बहुत कम स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है तो सिर्फ एक दिख रहे हैं दैट इज समीर कुमार ंडरफुल वही तो फाइनेंशियल तो यूज होता है इनक्रेडिबल इट्स नॉट क्वेश्चन अ सर्च इंजन इज अ प्रोग्राम टू सर्च सर्च इंजन से आप क्या सर्च कर सकते हैं गाइजी लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद आई टेल यू हाउ टू बाय दी ट्रिपल एस पी या एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं उसके बाद आई एल टेल यू बिकॉज बीच में काफी स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि कैसे हम बाय कर सकते हैं तो सर्च इंजन की तरफ चलेंगे प्रोग्राम है इससे आप क्या सर्च कर सकते हैं ध्यान से बताना मत बोलना मैम इस पे वेब पेजेस भी होते हैं ब्ला 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 एंड ऑल दैट जी वेरी गुड अर्शकम बोल फोर्थ बोल रहे हो एक्सिल जो आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो ये है क्या आप इससे वेब पेजेस को सर्च कर सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए क्या टर्म्स को आप यूज़ करते हैं स्पेसिफाइड सर्च टर्म्स का प्रयोग किया जाता है मतलब कुछ टर्म्स लेटर्स से अगर मुझे लिखना है पी एस पी सी एल के बारे में कुछ सर्च करना है राइट तो मैं लिखूँगी पी एस पी सी एल एग्ज़ाम डेट और फिर वहाँ पे वेब पेजेस खुल जाएंगे राइट जिसके बाद जिस जहां से आप इंफॉर्मेशन पा सकते हैं उन पर्टिकुलर टर्म से रिलेटेड आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर फोर वेल टन फोर्टी फिफ्थ क्वेश्चन पे चलेंगे अ अ डैश इज इज सेट ऑफ रूल्स आई थिंक दिस वेरी इजी यूआरएल यूआरएल डोमेन रिसोर्स लोकेटर या प्रोटोकॉल क्या रहने वाला है प्लीज नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाती है प्लीज ओवर कर दिया करो ठीक है भाई कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है कल से हम थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप कर देंगे डोंट वरी नेम क्या है आपका माय नेम इज अक्षता

पे है हम आप क्या कहते हैं उसे जिससे कि कंप्यूटर आपका रन होता है ठीक है ठीक है ठीक है ओके okay. कितने क्वेश्चन हैं वैसे तो पचास हैं जल्दी करो <laughs> उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर क्योंकि डेटा और इंफॉर्मेशन की बात हो रही है कंप्यूटर को रन करने के लिए डिवाइस जिससे कि आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो आप बातचीत कर सकते हो वार्तालाप कर सकते हो उसे आप क्या कहते हैं ध्यान से बताना है मुझे जी फॉर्टी सेवन क्वेश्चन पे है इन आस्किंग फॉर मील्स नो दैट्स नॉट स्टेला दैट्स अनदर वन हर नेम इज चेजी स्टेला इज सिटिंग जस्ट बिसाइड मी ऑल राइट फोर्टी सेवन गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर फोर ऑल राइट वंडरफुल सो देखो भाई इनपुट आउटपुट दोनों का प्रयोग कर सकते हो अगर आपको बात करनी है कंप्यूटर के साथ बिल्कुल करेक्ट है फोर्टी एट क्वेश्चन अगर आपको अवॉइड करना है ठीक है ई मेल एड्रेस अगर आपको याद नहीं करना है ठीक है आप परेशान हो गए कि मेरी याददाश्त तो भाई इतनी अच्छी नहीं है मेरी भी नहीं है तो क्या इस्तेमाल करोगे ब्राउजर सर्च इंजन बर्थ फोन बुक या एड्रेस बुक ऑल राइट बाय बाय नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई आई डोंट थिंक अभी कोई क्लास लाइव है हमारे चैनल पे बट आई एम नॉट श्योर एक बार आई वुड लाइक टू चेक बट आई डोंट थिंक कि अभी स्टार्ट हुई है चलो एड्रेस बुक वेरी गुड अर्शकम्बोस हम उसे क्या कहते हैं अगर ईमेल एड्रेस अगर आपको याद नहीं करना है तो भाई कोई बात नहीं है एड्रेस बुक इस्तेमाल कर लो आप वहाँ पे आपके सारे ई मेल्स डेफिनेटली रहेंगे ठीक है थर्टी फाइव क्वेश्चन इज अव बेटा बीच में बहुत सारे क्वेश्चन आसान भी हैं ठीक है क्वेश्चन पे चलते हैं मैं तो 50 करवा के छोड़ूंगी भाई पचास बनाया मैंने आज कंप्यूटर डेटा गैदर करते हैं इसका मतलब वो क्या करते हैं यूजर की मदद करते हैं डेटा को क्या करने में प्रेजेंट स्टोर आउटपुट या इनपुट जल्दी से क्या रहेगा आंसर गैदर का मतलब है कलेक्ट करना तो अगर कंप्यूटर इकट्ठा कर रहा है डेटा तो हम क्या नहीं स्टोर नहीं स्टोर नहीं ध्यान से सुनो अगर मैं कंप्यूटर डेटा इकट्ठा कर रहा है तो यूजर डेटा को क्या कर रहा है यूजर डेटा को दे रहा है स्टोर नहीं आएगा वेरी गुड अर्शकम्बोज आंसर क्या रहने वाला है यूजर को अलाउ करते हैं डेटा देने में इनपुट करने में आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर फोर वंडरफुल लास्ट क्वेश्चन और फिर भाग जाना कोई दिक्कत नहीं है अगर आप बूट करना चाहते हैं कंप्यूटर में क्या होना चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट ये हम कर चुके हैं बूट का मतलब क्या होता है एनीबडी वॉट इज वॉट यू मीन बाय बूटिंग इन कंप्यूटर जी एक बार बता देंगे मुझे बूटिंग का मतलब क्या होता है कंप्यूटर को आप स्टार्ट कर हो मैंने आपको करवाई थी टू टाइप्स वर्म बूटिंग एंड

Uh, का जो प्रोसीजर है आप उसको आसानी से खरीद सकते हो ऑल यू हैव टू डू इज इज मिनट माय फोन बैटरी क्वाइट लो आई वुड लाइक टू शो यू कि कैसे हम इसको परचेज कर सकते हैं कंप्यूटर स्टार्ट करना बिल्कुल करेक्ट है आज ना कल दो बजे थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल के सवाल रहने वाले हैं बिल्कुल मिस करने की कोशिश मत करना ठीक है चलो I'll, I'll just show you this. Um, ये तो कुछ और ही खुल गया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है प्रोटोकॉल और नेटवर्क पे मैं करवा चुकी हूं आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं प्लीज पुरानी वीडियोस देखिए वहां पर सब कुछ मैंशन है ठीक है वहां पर आई हैव एक्सप्लेन यू कि प्रोटोकॉल्स क्या है वो इंटरनेट वाले में है और दूसरा दूसरी क्लास में जो आप बोल रहे हो नेटवर्क्स पे भी कंप्यूटर नेटवर्किंग में डेफिनेटली एक मिनट रुको भाई यूट्यूब नहीं खुल रहा है यहाँ पे आई डोंट नो क्यू हम्म आई थिंक खुल गया खुल जा सिम सिम खुल गया है यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है सिंपल जाएंगे आप अडा ट्वेंटी फोर सेवन की वेबसाइट पे आपको जाना है ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जैसे ही जाते हैं सर्च करना है प्रेस करते ही वहां पे बहुत सारे कोर्सेज खुल जाएंगे जिस कोर्स में आप इंटरेस्टेड है फॉर एग्जांपल पी ट्रिपल एस पी आप सिंपली वहां पर क्लिक करेंगे अगर पंजाब का वहां पैक है वहां पर क्लिक कर सकते हो एसआई कांस्टेबल एंड लाइक दैट ऑल यू हैव टू डू इट इज कि वहाँ पर जाकर आप सब कुछ देख सकते हैं लाइक स्टडी प्लान क्या है वो भी थोड़े दिनों में अपडेट हो जाएगा डेफिनेटली क्लासेस के टाइमिंग क्या रहेंगे शेड्यूल क्या रहने वाला है व्यू ऑफर्स पर जाना है मेरा कोड वहाँ पर आपको अप्लाई करना है विच इज़ वाई थ्री फाइव सेवन अगर पैसे बचाना चाहते हो तो ठीक है वरना पचहत्तर परसेंट ऑफ है अगर मेरा कोड अप्लाई करते हो तो फ्लैट सेवेंटी सिक्स परसेंट ऑफ वहां पर आपको मिल रहा है अठारह चालीस रुपए मात्र में आपका जो पी ट्रिपल एसपी बैच है वो आप अवेल कर सकते हैं राइट right, इस बैच में बहुत सारी चीजें आपके लिए फ्रूटफुल हैं बिकॉज द क्लासेस विल बी अवेलेबल टू यू आप देख सकते हैं अगले छह महीनों तक साथ ही साथ आई वुड लाइक टू टेल यू महापैक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है क्योंकि इसमें आप बहुत सारी चीजों की यू नो आपको एक्सेस मिल जाएगी लेटर से ई बुक्स की बात कर लेते हो आने वाले पंजाब के एग्जाम्स की बात कर लेते हो वो इसमें इंक्लूडेड है स्पोकन इंग्लिश इसमें इंक्लूडेड है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है टेस्ट सीरीज इसमें मिलने वाली है तो इसमें एक बारी देख लेते हैं क्विक क्या रहने वाला है कोड है Y357 थ्री अप्लाई करेंगे तो आपको मात्र बत्तीस सौ उन्नीस रुपए में आपको ये पैक जो है अवेल कर सकते हैं राइट सो गाइस दिस इज द प्रोसीजर इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स आ पंजाब बोले समझ नहीं आए काफ़ी अच्छे लेवल ठीक है वो करवा देंगे डोंट वरी डिसलाइक वालों ने एग्ज़ाम नहीं देना है कोई बात नहीं उनकी मर्जी है करने दो ठीक है टेल टेल अबाउट द बैच बैच ओके के बारे में आई वुड लाइक टू यू अगर आप पी ट्रिपल एस पी की बात कर रहे हैं तो आपके सारे इसमें सब्जेक्ट्स कवर होंगे लेट अस टॉक अबाउट करंट अफेयर्स कंप्यूटर नॉलेज ऑब्वियसली मैं करवा रही हूँ उसमें लॉजिकल रीजनिंग है क्वांट है इंग्लिश है सब कुछ उसमें करवाया जाएगा छः महीने तक आप इन वीडियोज को देख सकते हो आपके पास एक्सेस रहेगा महापैक फ्री में महापैक ऐसा uh, का एक एग्जाम कब है आई डू नॉट नो अभी तो वो बताएंगे अथॉरिटीज़ ही महा पैक का बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा है अगेन आपको सिक्स प्लस मंथ्स के लिए यू नो वैलिडिटी रहनी वाली है अच्छा इसमें सिक्स प्लस मंथ्स भी नहीं है इसमें तो बारह महीने हैं बारह महीने तक आपके पैक जो भी इसकी यू नो ई बुक्स हैं या फिर जो भी आपके इसमें एग्ज़ाम्स हैं मॉक टेस्ट्स हैं जो भी क्लासेस हैं आपके पास रहेगी अगले बारह महीनों यानी कि एक साल तक फाइन ठीक है सो दैट इज ऑल फॉर कल मिलते हैं लेट्स मीट टूमोरो इन क्लास दैट वुड बी कंडक्टेड अगेन एट द सेम टाइम दैट इज टू पी एम देश आर गोइंग टू बी ऑफ इंटरमीडिएट लेवल मेक श्योर यू नॉट मिस इट ऑल्सो यू कैन अटेंड एंड माई क्लास टेन थर्टी बट उसका टाइमिंग अब ग्यारह बजे हो जाएगा ठीक है स्पोकन इंग्लिश वाले चैनल पे